क्या आपको पता है आप अपना खुद का ड्राइव स्टोरेज, जैसा गूगल ड्राइव होता है, वन ड्राइव होता है, उस तरह का खुद का एक लोकल ड्राइव स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाईफाई नेटवर्क। अगर आपके पास कोई हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है या कोई भी स्टोरेज डिवाइस है जिससे आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसका आप एक लोकल ड्राइव स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं और उसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं जब तक आप उस वाईफाई नेटवर्क पर है तो। और ये काफ़ी आसान है क्रिएट करना। अगर आपके पास एक वाईफाई राउटर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाईफाई राउटर होता है उसमें एक यूएसबी पोर्ट होता ही है, और मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जिन्हें यूएसबी पोर्ट का पता ही नहीं है कि वो यूएसबी पोर्ट क्यों दिया होता है उस वाईफाई राउटर में। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम अपना एक लोकल ड्राइव स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस से भी, अपने लैपटॉप या पीसी से भी, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते। सो हियर आई एम, यू आर वॉचिंग टेक इनकॉग्निटो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस लोकल सर्वर को क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, आपके पास एक वाईफाई राउटर होना चाहिए जिसमें यूएसबी पोर्ट हो। दूसरा, आपके पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, लाइक हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव या कोई भी ऐसी ड्राइव जो कि आप यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा, आप सेम वाईफाई नेटवर्क पे हो। ये सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप कहीं पर भी लोकल ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। अब ये वाला मेरा नोकिया का राउटर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक यूएसबी पोर्ट है जहाँ पर मैं अपना हार्ड ड्राइव इंसर्ट करूँगा। तो ये है मेरे पास, ये मेरा हार्ड ड्राइव है। अब यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट्स भी ब्लिंक हो रहा है, मतलब मेरा हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ का पार्ट खत्म होता है, अब हम चलते हैं सीधे पीसी पर, वहाँ पर कैसे इसे कनेक्ट करना है वो देख लेते हैं। अब अगर आपको अपना राउटर एक्सेस करना है तो उसका एक वेब एड्रेस होता है, तो वो राउटर टू राउटर डिपेंड करता है। अगर आपको अपना राउटर का वेब एड्रेस फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा सेटिंग है, आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, सीएमडी स्क्रीन में जाना है, इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है आईपी कॉन्फिग। ठीक है, ये टाइप करके बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। नीचे में आपको ये दिख रहा है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये होगा आपका आईपी एड्रेस राउटर का। तो आपको इस यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेना है या यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, अब मेरा ये ओपन हो गया है। एक बार मैं इसे लॉग आउट करके दिखाता हूँ। जनरली जब ये होगा तो ऐसा स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, एक लॉग इन स्क्रीन आएगी। उसका डिफ़ॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड एडमिन रहता है, अगर आपने कभी एक्सेस नहीं किया है तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, एडमिन पासवर्ड भी एडमिन ही रहता है। ठीक है, हम इसे अब लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट ऑलमोस्ट जो सेटिंग होती है सारी सेम ही होती है सभी भी राउटर की। तो अब मान लेते हैं कि आपकी राउटर की सेटिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर आपको एक एक करके सर्च करना होगा किस में यूएसबी का ऑप्शन है। पहले मैंने सर्च किया नेटवर्क में, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा, तो फिर मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ, यहाँ भी नहीं है। एप्लीकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसबी का ऑप्शन है, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कनेक्टेड यूएसबी डिवाइस, तो यहाँ पर मेरा एक यूएसबी डिवाइस कनेक्टेड है। इसकी फॉर्मेट भी दी हुई है, कितना टोटल स्पेस है और कितना फ्री स्पेस है। तो मेरी ये 1 TB की हार्ड ड्राइव है, तो यहाँ पर टोटल डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको FTP सर्वर अगर इनेबल करना है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स इनेबल करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह खुद से बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैं इसे ही यूज करूँगा। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो मेरा जो FTP सर्वर है अब यूजर नेम पासवर्ड, इस यूजर नेम पासवर्ड से एक्सेस किया जा सकता है। तो अब आपको एक्सेस करने के लिए कोई भी FTP एक्स्ट्रा FTP क्लाइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने जो विंडोज एक्सप्लोरर है वहीं से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मुझे सिंपली टाइप करना है FTP:// एंड देन वो वाला हमको टाइप कर देना है जो भी वेब एड्रेस था मेरे राउटर का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने ऑलरेडी अपना यूजर नेम डाल रखा है, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर इसे सेव भी कर सकते हैं, देन इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन होने के बाद ऐसा कुछ आपको फोल्डर देखने को मिलेगा, डबल क्लिक करना है। आप यहाँ पर सारी फाइल एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी फाइल है मेरे यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। लाइक मैं कोई एक मूवी में सेक्शन में चला जाता हूँ, यहाँ पर ये मेरी हिंदी मूवी की फाइल्स है। चलिए, यहाँ पर आप डबल क्लिक करके इसे ओपन करके प्ले नहीं कर सकते, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तभी आप इसे प्ले कर सकते हैं। तो मैं एक बार डाउनलोडिंग स्पीड चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं, डेस्कटॉप पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग स्पीड आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डाउनलोडिंग स्पीड 5.67 या समथिंग 5.5 MB/s की डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है। अब मैं यही सेम चीज़
कुछ अपलोड करना चाहूँ यहाँ से तो लाइक मैं इसी फाइल को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर कितना स्पीड मुझे आ रहा है, तो सिंपली आपको कंट्रोल पेस्ट कर देना है यहाँ पर। देन पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फाइल्स कॉपी होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड आप देखो, अपलोडिंग स्पीड थोड़ी कम है, 3 के लगभग है, 3 MB/s के लगभग है, तो ऑलमोस्ट ठीक है, एक नॉर्मल USB की स्पीड आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, बट वाईफाई में इतना स्पीड आपको देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी सही है। नाउ यहाँ पर आप सभी फाइल एक्सेस कर सकते हो, कोई भी फाइल कभी भी एक्सेस, जब तक आपका राउटर ऑन है तब तक आप फाइल एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको अपने मोबाइल डिवाइस में अपना लोकल सर्वर एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एक FTP क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ ये वाला FTP क्लाइंट, FTP टूल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट ऐसे बहुत सारी FTP क्लाइंट है जो कि आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम होता है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसा कुछ स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको क्या करना होगा, FTP क्लाइंट वाले ऑप्शन में चले जाना होगा, ऊपर में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम में यहाँ पर आपको नेम, उसका एड्रेस, जो भी IP एड्रेस था, यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ पर डाल के ऐड कर लेना होगा। तो हम क्विकली इसे डाल देते हैं, नाम कुछ भी डाल दीजिए, IP एड्रेस वही वाला होना चाहिए और पासवर्ड जो भी आपने बनाया था वही रखना है आपको। अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा FTP क्लाइंट जो भी वेब एड्रेस सेव हो गया, सिंपली अब इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप फाइल एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर सेम आपको वही फोल्डर दिख रहा है USB 1-1 वाला, तो यहाँ पर इसे क्लिक करना है और सारे फाइल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई भी फाइल आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है तो सिंपली आपको क्लिक करना है, जो भी फाइल को प्रेस एंड होल्ड करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाता है, ये फाइल आपके लोकल ड्राइव में सेव हो जाएगा। और अगर कोई भी फाइल आपको अपने मोबाइल डिवाइस से इस सर्वर में अपलोड करना है तो सिंपली लोकल में जाना है, यहाँ पर आपको सारे लोकल फाइल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी फाइल आपको लाइक ये वाला फाइल मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ, प्रेस एंड होल्ड करना है, यहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। अपलोडिंग स्पीड लाइक 2.5 या 3 MB/s तक ही आएगा, जैसा स्पीड आपको लैपटॉप डिवाइस में मिल रहा था सेम वैसा ही ऑलमोस्ट यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे आप मोबाइल डिवाइस में भी सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, कुछ ना कुछ नया तो सीखने जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।